स्थापना के लिए प्रयास करूंगा। मैं बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का पूर्ण पालन करूंगा। मैं बुद्ध द्वारा उपदेशित 10 पारमिताओं का पूर्ण पालन करूंगा। मैं प्राणी मात्र पर दया करूंगा और उनका लालन पालन करूंगा। मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं शराब नहीं पीऊंगा। मैं अपने जीवन को बौद्ध धर्म के 3 तत्वों अर्थात ज्ञान, शील और करुणा पर ढालने का प्रयास करूंगा। मैं मनुष्य मात्र के लिए उत्कर्षण के लिए हानिकारक और मनुष्य मात्र को असमान और नीच मानने वाले अपने पुराने हिंदू धर्म का पूरी तरह से त्याग करता हूँ। मेरा पूर्ण विश्वास है कि बुद्ध धर्म का धर्म ही सत्य धर्म है। मैं मानता हूँ कि मेरा पूर्ण जन्म हो रहा है। मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ आज से बुद्ध धर्म की शिक्षाओं के अनुसार आचरण करूँगा। साधु 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 बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। देखिए, ये अभी आपने जो आपके पुराने धर्म में कोई विचार थे या हिंदू धर्म को मानते थे, इस धर्म का पूर्ण तरह से आप त्याग करेंगे। ये ऐसी इसमें प्रतिज्ञा देनी है। जो पहली 5-6 प्रतिज्ञा है वो हिंदू धर्म के संबंधित है, जो भी हमने जो आडंबर हमारे अंदर भरा है उनको दूर करने के लिए। इसके बाद भगवान बुद्ध ने के द्वारा जो पत्री पर बाबा साहब के द्वारा दी गई है, इसमें 4 आर्य सत्य भी है, आर्य अष्टांगिक मार्ग भी है, 10 पारमिताओं का ज्ञान भी है। ये सभी प्रतिज्ञा इसके अंदर दी गई है। आपने आज ये निर्णय किया है इस ऐतिहासिक बुद्ध विहार के अंदर कि हमने अपने हिंदू धर्म के को छोड़ दिया है और आज से हम बुद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं। इसके लिए मैं जैसे बोलूँगा आपको बौद्ध धर्म में प्रतिष्ठित किया जाएगा। ये तो अपने वो थोड़ी है अपनी जो हिंदू धर्म की वो है कुरीतियाँ। अब इसमें देखिए, जैसे मैं बोलूँगा वैसे बोलोगे। 3 बार आप पहले भगवान बुद्ध को नमन करेंगे, बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। अब बोलिए मैं आचार्य जी आपसे निवेदन करते हैं कि हमें त्रिशूल पंचशील दे करके बौद्ध धर्म में दीक्षित किया जाए। हम दूसरी बार और तीसरी बार भी यही कामना करते हैं कि हमें बौद्ध धर्म द्वारा उसके अंदर दीक्षित किया जाए। अब मैं जैसे बोलो मैं खड़ा हूँ, अब बोलिए, नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य, नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य, नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयमपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि,
तत्यम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तत्यम्पि संघं शरणं गच्छामि प्राणातिपात वेरमणि शिक्षापदं समादयामि अभिनदान वेरमणि शिक्षापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचार वेरमणि शिक्षापदं समादयामि मूसावाद वेरमणि शिक्षापदं समादयामि सुरा मेर मज तमादुठाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। ये आपको त्रिशंग पंचशील के द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित किया गया है। भगवान बुद्ध ने भी पहली बार जो प्रज्वलित किया था गया था वो बुद्ध और धर्म की असंघ की संघ के द्वारा ही किया गया था। तो ये आपको दीक्षित कर दिया गया है बौद्ध धर्म के अंदर, और आशा करते हैं कि आप जो है हिंदू धर्म के पुराने जो रीति रिवाज के उनको नहीं करेंगे। श्राद्ध क्यों मनाएं हम? श्राद्ध मनाने का क्या मतलब है हमारा? इसमें व्याख्या बहुत है, जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं, इस 22 प्रतिज्ञाओं पर अगर मैं व्याख्या करूँगा कम से कम 1 घंटा मुझे लग जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।